हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिर और आज के इस वीडियो में बेटा हम मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा ये जो इम्पोर्टेंस हैं वो सोसाइटी के लिए होने वाले हैं। आखिरकार एक मार्केटिंग के जो फायदे हैं वो सोसाइटी को क्या क्या मिल सकते हैं, किन किन रूपों में मिल सकते हैं, तो बेटा ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा मार्केटिंग के सोसाइटी के लिए जो फायदे हैं उनमें से जो फर्स्ट वाला जो फायदा है या जो फर्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंस है वो है बेटा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी इन फॉलोइंग मैनर। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है, इफेक्टिव तरीके से की जा रही है और मार्केटिंग किसी भी रूप में की जा रही हो, इससे बेटा सोसाइटी के लिए जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आती हैं। अब बेटा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो सोसाइटी के जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए किस रूप में सामने निकल कर आती है उनके बारे में हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि बेटा आपको पता है मार्केटिंग में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह, एरोप्लेन या रेलगाड़ी की जरूरत होती है। तो वहां पर लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए या फिर बेटा ड्राइवर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे जिनको ड्राइविंग करनी आती है वो बेटा मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड की बात करें तो वेयर हाउसिंग। तो बेटा मार्केटिंग में क्या होता है कि जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए भी बेटा वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है। तो उस वेयर हाउस की देखभाल करने के लिए भी कुछ बंदों की जरूरत पड़ती है, तो बेटा वहां पर भी वो अपनी जॉब कर सकते हैं। थर्ड है पैकेजिंग। तो बेटा मार्केटिंग में जो गुड्स होते हैं उनको पैकेजिंग करने का काम भी आता है। तो बेटा जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर पैकेजिंग करने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो वहां पर जाकर पैकेजिंग का काम कर सकते हैं। इसी तरह से यदि एडवर्टाइजिंग की बात करें तो बेटा जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसके बारे में लोगों को घर घर तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कुछ बंदों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कुछ अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं जिनको कि अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो बेटा जहां पर वो कंपनी काम कर रही है उसके आसपास के जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी को दे सकते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट का काम भी कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स प्रमोशन को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में मार्केटिंग के अंडर में देखा जाता है। ठीक इसी तरह से बेटा जो सेकंड इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए वो है बेटा गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। गुड मार्केटिंग बिल्ड्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। जैसा कि बेटा आपको पता है आज के मार्केट में एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली एक ही कंपनी नहीं है। आज मार्केट में बहुत सी कंपनियां एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट को बनाती हैं। यदि जिस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बढ़िया है, बेहतर तरीके से वो मार्केटिंग कर रही है, तो बेटा वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती है। एज अ रिजल्ट एवरी मार्केटर और बिजनेसमैन ऑलवेज इज देयर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट चीपर प्राइस विद बेस्ट क्वालिटी। और बेटा आज सोसाइटी को या सोसाइटी में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको इस बात को लेकर कभी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई उनको जो मिलने वाला गुड्स है वो खराब क्वालिटी का होगा। क्योंकि बेटा पहले के जमाने में क्या था, जो बिजनेसमैन थे वो बहुत कम थे और इस वजह से जो बिजनेसमैन ने प्रोड्यूस कर दी है चीजें वही इस्तेमाल करनी पड़ती थी, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की हो या फिर बेकार क्वालिटी की। लेकिन बेटा आज एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेसमैन तैयार कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। तो कहने का मतलब यह है बेटा आज मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है जिसको कि हम कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। और इस कट थ्रोट कंपटीशन में हर मार्केटर या हर जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ में चीपर प्राइस पर, मतलब सस्ते दामों में अच्छा प्रोडक्ट उनके लिए अवेलेबल करवाए। तो इस वजह से बेटा मार्केट में बहुत सारे मार्केटर होने की वजह से या बहुत सारे बिजनेसमैन या बहुत सारी कंपनियां होने की वजह से जो सोसाइटी है उनको बढ़िया क्वालिटी के गुड्स मिलना शुरू हो चुके हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा फ्रीडम फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस।
मार्केटिंग इरेडिकेट्स फॉलोइंग मेल प्रैक्टिसेस। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आज के मार्केट में बहुत सारी जो कंपनियां आ चुकी हैं, वो अपना पांव बेटा इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जमाना चाहती हैं। तो इस वजह से बेटा जब पुराने जमाने में एक या दो ही मार्केटर हुआ करते थे या मार्केट का जो साइज था वो कम हुआ करता था, लोगों को वही खरीदना पड़ता था जो कि वो मार्केटर उनके लिए अवेलेबल करवाता था। लेकिन आज कॉम्पिटिशन तगड़ा वाला है, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस वजह से बेटा यदि कोई भी मार्केटर या बिजनेसमैन एडल्ट्रेशन करता है या मिलावट करता है तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं और दूसरे मार्केटर के पास में जाकर वो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीजें मिले। इसी तरह से जो प्रॉफिट ईयरिंग है, सट्टेबाजी है, ये सब बंद हो चुकी है बेटा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेटा एक मार्केटर जो है ना वो अपने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक बार तो गुड्स को मार्केट में बेच सकता है। लेकिन बेटा आज मार्केट में जो कस्टमर है काफी समझदार हो चुके हैं, वो एक बार किसी दुकानदार से या किसी मार्केटर से या किसी बिजनेसमैन से धोखा खा चुके हैं तो बेटा उनके पास में और भी ऑप्शन है। वो नेक्स्ट टाइम उसके पास में जिसने कि उनके साथ धोखा किया था उसके पास में बेटा वो कभी भी गुड्स को परचेज करने नहीं जाएंगे। इसी तरह से हम ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो बेटा कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं या शॉपकीपर भी होते हैं जिनके पास गुड्स होते हुए भी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस गुड्स की सप्लाई या उस गुड्स को बेचते नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब इसकी डिमांड तेज होगी तो उस समय बेटा वो गुड्स जो है मार्केट में अवेलेबल होगा नहीं और हमारे पास में जो वेयर हाउसेस में पड़ा हुआ माल है उस माल को हम 10 गुना 20 गुना कीमत में बेचेंगे। लेकिन बेटा ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि पहले गिने चुने मार्केटर ही थे और आज बेटा मार्केट में बहुत सारे ऐसे मार्केटर हैं जो कि आपको आपके मन के मुताबिक जो गुड्स है वो अवेलेबल करा सकते हैं। इसी तरह से अंडरविंग, कई बार क्या होता है बेटा जो शॉपकीपर या मार्केटर या बिजनेसमैन जो अपना गुड्स आपको पैकेजिंग के थ्रू देते हैं तो उसमें वजन भी कम आता है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो अब बिल्कुल कम हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता है बेटा, किनको पता है, मार्केटर को पता है कि आज का जो कस्टमर है वो किंग है मार्केट का, वो काफी समझदार हो चुका है, अब उनके पास में उनकी चालाकियां नहीं चल सकती। इसी तरह से फोर्थ इम्पोर्टेंस की बात करें जो कि एक सोसाइटी के लिए होते हैं मार्केटिंग के, वो है बेटा क्रिएशन ऑफ सोशल वैल्यू। ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटी इज डन बाय कीपिंग कस्टमर्स प्रायोरिटी इन द माइंड। तो बेटा आज के मार्केट में एक मार्केटर को कस्टमर्स की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज को अप्लाई करना पड़ता है। Nowadays, All the products are produced and services are offered according to the need of customers. और आज बेटा जो भी मार्केटर होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, वो अपनी सर्विसेज या गुड्स को मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहता है तो वो यूं ही मार्केट में अपने गुड्स या सर्विसेज को नहीं ला सकता। इसके लिए सबसे पहले उसे कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखना होगा। Marketers have started to give importance to the customers, which increases the value of society. और आज बेटा मार्केटर जो हैं, वो कस्टमर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो मार्केटर है वो कस्टमर को किंग मानता है और उसकी वैल्यू करना अब जान चुका है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाई गई जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। और हाँ बेटा, जो मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस है ना सोसाइटी के लिए, उसके लिए केवल चार ही पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम जैसा कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी है।